अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं विक्की और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आसनसोल बर्ड फार्म। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी अपने बर्ड्स को खाना देते हैं तो वो थोड़ा सा खाना खाकर सारा खाना वेस्ट कर देते हैं और वो बहुत ही कम खा रहे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हमारे वीडियो में बने रहे, मैं आपको बताता हूँ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो गाइस, ये अपने बर्ड को आज प्रोवाइड करूंगा। आप देख सकते हैं ये नियोपेप्टिन है जो डाइजेस्टिव में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स काफी कम खाना खा रहे हैं और अगर आप देते हैं जिस तरह खाना वो थोड़ा सा खा के छोड़ देते हैं, तो ये आपके बर्ड्स के कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम होगा। तो ये अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करें तो आपके बर्ड्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे और काफी आपके बर्ड्स हेल्दी हो जाएंगे और खाने पीना भी शुरू कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका MRP जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पे इसका जो MRP है वो 122 रुपए और ये आप मार्केट से लेंगे तो 110-115 रुपए मिल जाएगा। और ये 60 ml का आप देख सकते हैं मैं अपने बर्ड को आज दूंगा। जो मेरे आपके अगर किसी भी बर्ड्स को आप देखते हैं कि वो काफी ज्यादा सुस्त और खाना पीना बहुत ही कम खा रहे हैं तो उसका इस्तेमाल जरूर करें। और कभी भी जो न्यू होता है तो उसे आप इस तरह सेक कर ले, उसके बाद अपने बर्ड को दें। तो आज मैं अपने सारे बर्ड को दूंगा क्योंकि इससे कोई किस्म का नुकसान नहीं है। आपके बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्टिव में जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगा और आपके बर्ड्स जो भी खाएंगे, आपके खाया पिया आपके बर्ड्स को लगेगा वो काफ़ी हेल्दी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं दो दो ड्रॉप करके सारे बर्ड्स को आज दे रहा हूँ, तो आप भी इसी तरह दें। और आप अगर देखते हैं कि आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है और वो बहुत कम खाना खा रहे हैं तो आप उसे लाजमी हफ्ते में 3-4 दिन ज़रूर दें ताकि उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूवमेंट आ जाए और वो आपके खाया पिया जो आप दे रहे हैं वो अच्छे से खाने लगे और खाया पिया उसके बदन में लगे। तो आप देख सकते हैं दो दो ड्रॉप करके मैं सारे बर्ड को आज दे रहा हूँ। अगर आपके बर्ड को ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो उसे आप थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गाइस, अब मैं ये अपने सारे बर्ड को दे दूंगा, आप देखेंगे कि वो किस तरह इसे कितने अच्छे से पिएंगे। तो ये पानी अगर आपके बर्ड पीते हैं तो आपके बर्ड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा और आप जो खाना पीना दे रहे हैं वो खाए भी आपके बर्ड को लगेगा। तो चलिए मैं अपने बर्ड को बिना किसी टाइम वेस्ट के दे देता हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने ये जो है अपने सारे तो गाइस, आप जब भी ये दे रहे हैं अपने जो किसी भी दवा या पानी का तो आप देख सकते हैं गाइस ये किस तरह से पानी पी रहे हैं और ये पानी पिएंगे तो इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएंगे। तो गाइस, आपने देखा कि मैंने अपने सारे बर्ड को नियो-15 का जो सिरप था वो पानी में मिक्स करके प्रोवाइड कर दिया। तो आप भी चाहते हैं कि आपके बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूवमेंट हो और कोई किस्म का डाइजेस्टिव से रिलेटेड किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप भी इसे इस्तेमाल करें और अपने बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूवमेंट करें ताकि आपके बर्ड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहे और किसी किस्म का आपके बर्ड को नुकसान ना हो और अच्छे से वो खाए पिए और आपके बर्ड जो खा रहे हैं वो खाना पीना आपके बर्ड को लगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके चलता हूँ। फिर हाजिर होता हूँ एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपने और अपने बर्ड का इसी तरह केयर करें और मुझे दुआओं में याद रख के चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।